हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लीज का बमन कैसे कराएं। कुछ लोग होते हैं कि हल्दी के पानी में उसको डाल देते हैं, जिसके कारण उसका अच्छा से बमन नहीं हो पाता है। तो कैसे उसका बमन कराएं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें एक ही, जब आप लीज थेरेपी कर लें तो ज़्यादा देर तक उसको नहीं छोड़ना है। ज़्यादा देर अगर छोड़ देते हैं आप तो बमन नहीं करेगी। जैसे ही लीज को वहाँ से हटाए, थेरेपी वाले पॉइंट से जहाँ से हटाएं, उसके बाद उसको हल्दी में इस तरह से हल्दी के पानी में नहीं डालना है, सीधे ड्राई हल्दी में, हल्दी पाउडर में उसको, उसके मुंह को उस पर रगड़ना है थोड़े देर के लिए। जैसे ही उस तरह से आप रगड़िएगा और ध्यान रहे कि वो अपना मुंह खोले, तब उस पर उसको हल्दी डालना है। तो जैसे ही उसको करिएगा तो इस तरह से देखिए वोमिटिंग कर देगी। और जब ये मुंह खोले तो उस समय थोड़ा सा पीछे से प्रेस करना है। जब वो मुंह खुला रहे तब, मतलब जब धार निकलते रहे उसमें से, तब थोड़ा सा प्रेस करना है। और जैसे जैसे आप इस तरह से, आप अगर रुक जाए तो फिर हल्दी में ही उसको डुबाना है। हल्दी के पानी में रखने से अच्छा से वोमिटिंग नहीं करेगी। इस तरह से आप करते हैं, अगर अच्छा से वोमिटिंग करवा दीजिएगा तो आपके लीज को जो एक गंडूस नाम के रोग होता है वो नहीं होगा। और अगली बार जब आप लीज लगाने जाइएगा तो लीज आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी। तो इस तरह से आप अपने लीज को वमन कराइए, तब आपका लीज ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और ये लीज जल्दी से अगली बार पकड़ेगा भी, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से आप कराया है इसका बमन। और थोड़ा सा आपको पीछे से प्रेस करना होगा, अच्छे से प्रेस कीजिएगा। जब ये किसी चीज़ में चिपक जाए तो उस समय प्रेस नहीं करना है। लेकिन जब इसका मुंह खुला हो, देखिए हल्दी में डालिएगा, जब इसका मुंह खुला हो तब धीरे से पीछे से प्रेस करना है। और आपको ध्यान रखें कि जब आपने लीच लगाया था तो कितना बड़ा था, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा इसको कर देना, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है। अब इसके बाद इसको क्या करना है सो बताता हूँ मैं आपको। ये जो दिख रहे हैं आप उसके बाद, एक करने के बाद आप उसको हल्दी के पानी में डाल सकते हैं। यदि आपको लगे कि हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए डालने से ये अपना सलीवा तो पहले ही भी निकाल चुकी है, और ज़्यादा डालिएगा तो इसके पास कुछ बचा नहीं है, जिससे अपने वो सलीवा इसलिए निकालती है ताकि अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा सके। और आप उसको अगर डालते हैं फिर से आप हल्दी वाले पानी में, तो फिर ये मरने की इसके चांसेस हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर हल्दी वाले पानी में भी नहीं डालना है। और जब आप लीज थेरेपी इस तरह से आप इसको जब वमन कराते, देखिए अभी जितना बड़ा था मैंने लगाया था उतना बड़ा ही हो जाए। ये तीसरा बार मैं इसका यूज कर रहा हूँ, 15 दिन पर इसको रिपीट किया हूँ सेम पेशेंट पे। और इस तरह से इसको अच्छे से धो लें, और धोने के बाद आपको एक काम और करना है, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारा प्रेशर भी दिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया हूँ लेकिन कुछ ना कुछ तो इसको प्रेशर दिया हूँ। इसके बाद इसको चलने के लिए फर्श पे छोड़ दें, ऐसे चलने से ना, ऐसे कर देने से ये देखिए कितना स्वस्थ है, पूरा इसका अच्छे से बमन हो चुका है, तो ये चलेगा। अगर इसका बमन अच्छे से नहीं हुआ रहेगा तो ये जहाँ का तहाँ सुस्त हो जाएगा। यदि आप इसको इस तरह से चलने के लिए छोड़ दोगे जो भी मसल्स में इसके स्क्रैम्प वगैरह आए होंगे जो हमने हमारे दबाने के कारण, वो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर लीज का बमन कराते हैं, इस तरह से चलने के छोड़ते हैं, तो आपका लीज ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा और अच्छे से ब्लड भी सक करेगा। तो आप इस तरह से अपने लीज का बमन कराइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँ लीज के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।